स साहेब जी कहते हैं जगत का पेख ना पेख्या धनी का नाम ना लेखा जो स्वयं आ रहा में उसका जक्र भी नहीं और शंकर भगवान के नंबर बने या ऐसे ही बन रहे हैं इनके नंबर सबके जैसे ये दास श्री कृष्ण जी विष्णु जी शंकर भगवान हनुमान जी और श्याम जी इन सब के पुजारी थे जैसे बच्चे ने तो शिक्षा में पास हो जा वो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है तो वो पास हो जाते शुक्र मनाया करते अपने भगवानों का फिर रोजगार प्राप्त हुआ सर्विस लगी शुक्र मनाया अपने भगवानों का संतान में हुई उस शुक्र मनाया इन्हीं भगवानों का अब पता चला कि ये तो कुछ दे ही नहीं सकते ये तो पिछले संस्कार फलें थे एज इट इज था नो का नो जो लिखा हुआ प्रारूप था वही मिल रहा था और उस पूर्ण परमात्मा कबीर जी हमारे संस्कार भी चेंज कर देते हैं हमारे पाप का नाश करके हमें सुखी कर सकते हैं दुख का निवारण कर सकते हैं ये था वो धनी कहते जगत का पेख ना पेखा धनी का नाम ना लेखा जो सब कुछ करता उसका जिक्र भी नहीं था अब क्या होता है अब गरीबदास साहेब जी ने परमात्मा के बारे में कैसा चित्रण किया है अपनी अमृतवाणी में थोड़ा सा ये वर्णन करते हैं परमात्मा की ये अमर वाणी है पुणात्माओं जैसे यहाँ आए हुए बच्चे जो सो भी गए छोटे छोटे बेटा बेटियाँ उनके ऊपर भी ये वाणी असर कर रही है उनके अंदर बहुत कुछ प्रक्रिया कर रही है जैसे एक डसा हुआ व्यक्ति मूर्छित हो जाता है और गारडू एक मंत्र एक सेंटेंस सा अपना सिद्ध कर देता है उस मंत्र को बार बार बोलता रहता उस शरीर के ऊपर ना वो वो तो अचेत पड़ा है और उसके बोलने से उस वाणी के मंत्र के प्रभाव से वो विस रहित होकर के सचेत हो जाता है और ये वाणी तो सब सीधा परमात्मा सतपुरुष की और हमारी आत्मा असंख्य जन्मों से सनी पड़ी है इन पापों से प्रारब्ध के पाप भी बिना गिनती के हैं और इस वाणी के रह रह कर पाठ और सुनने और सुनाने से करने से ये आप किसी का ना भी समझ में आती पशु पक्षी चीटियों पर भी असर करेगी या और इन बच्चों पर जो इन पर और शीघ्र करेगी क्योंकि ये मनुष्य जीवन प्राप्त है और ये जितने भी पशु पक्षी हैं जीव जंतु पेड़ पौधे घास फूस ये सभी जीव हैं ये अपना कर्म भोग रहे हैं इनके ऊपर भी परमात्मा की यह अमर कथा सिर करेगी इनको शीघ्र अब मनुष्य जीवन मिलना शुरू हो जाएगा और कलयुग में जहां जहां इस मालिक की वाणी का प्रचार इब तो ढूंढा ठा होगा परमात्मा क्योंकि मोबाइल बनवा दिए दाता ने इसी चिप बनवा दी इसमें पचालीस घंटों का सत्संग अमरवाणी आ जाती है और जहाँ भी कोई बच्चा जैसे यहाँ देखता है दास कोई बेलदारी कर रहा है अपना यहाँ कोई सेवा करने आ रहे हैं मोबाइल चल रहा है काम कर रहे हैं खेतों में भी अपने जेब में मोबाइल चल रहा है और काम कर रहे हैं वाणी वहाँ भी चल रही है सुन रहे हैं मंत्र चल रहे हैं तो जहाँ जहाँ ये वाणी फैलेगी उन सबका उद्धार होगा इस सत्य मान लेना और मनुष्य जीवन प्राप्त होगा आधे से ज़्यादा संस्कार इनके खत्म हो जाएंगे उनके भी और तुरंत मानव शरीर प्राप्त कराना शुरू कर देगा क्योंकि हम सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं और उस परमात्मा ने सभी के ऊपर रहम है सभी के उद्धार की चिंता है किसकी किस प्रकार होगी किसकी किस प्रकार होगी हो वो सब अब परमात्मा ने सारे फार्मूले लगा दे हैं क्योंकि अब ये वो मोक्ष समय आ गया जो परमात्मा तो कहने का भाव दास का ये है कि इस अमरवाणी ने जितनी बार सुना उतना ही थोड़ा और परमात्मा की कथा को सुनने में आपकी इतनी रुचि रहनी चाहिए जैसे आप सुबह आहार करते हो और शाम को फिर उसी भूख लगती है तो आप स्वस्थ हैं और यदि आपको कुछ अरुचि बनती है भोजन में तो समझो आपके कोई ना कोई शरीर में रोग सटार्ट हो गया है अब उसका इलाज क्या है उपचार क्या है भूख ना लग गए तो कोई टेबलेट लेनी पड़ेगी कोई रोग है तो कड़वी औषधि खानी पड़ेगी तब भूख लगेगी तो अब ये परमात्मा की कथा वाणी ये दोनों काम करेगी आत्मा की खुराक भी है और ये रोग नाशक भी है इसमें जिस व्यक्ति को ये अरुचि होती है कि ये तो कई बार सुन ली तो समझो उसका कोई पाप कर्म जोर दे गया अब कोई करड़ा पाप आ लिया तुलसी पिछले पाप तें हरिचरचा ना भावे, और जैसे जबर के वेग ते भूख विदा हो जावे किसी व्यक्ति को मलेरिया जबर हो गया हो और उसको भूख नहीं लगती काजू किस्मत सेब संतरे रोटी प्रतिदिन जो आहार करते हैं वो भी कड़वी लगती है रोटी कड़वी नहीं मनुखा दाख कड़वी नहीं उस जवर ने उसके शरीर की व्यवस्था इतनी बिगाड़ दी कि स्वादिष्ट वस्तु भी उसको कड़वी लग रही है उसका ट्रीटमेंट क्या है कुनीन खानी पड़ेगी कड़वी जीव प बिना रखी जाए इसी कड़वी और फाकी मारनी पड़ेगी तब वो जबर उतरेगा और जबर उतरेगा तो भूख फिर स्टार्ट होएगी और फिर ऐसी भूख लगेगी बुखार उतरने के बाद इतनी गजब की भूख लगे करे घर के भी नो क्या करे घनी रोटी ना खा कदे फिर बीमार हो जाए तो पुण्यात्मा प्रथम बार जो सत्संग सुनता है उसने अरुचि सी बनती है कदे सुनया नहीं कबीर भगवान बताओ हमने तो ये कदे सुना नहीं तो ये उसका जवर है मलेरिया हो रहा है उसका और कुछ एक ना वो भी चर्चा अच्छी ना लगती भगवान की रागनी कितनी सुन ले फिल्मी गाने तो रात में भी सुने जा और ये ना अच्छी लगती तो उसके पाप कर्म के कारण उसकी आत्मा मूर्छित हो रही है वह ग्रस्त है उस जबर से पाप के ज़वर से और पाप कटेंगे इस अमृत की वाणी अमृत वाणी के ट्रीटमेंट से और फिर वो व्यक्ति हिम्मत सी करके ये वचन सुन ले भगवान के सत्संग के ये फांकी मार ले और पांच चार सत्संग ना चाहे हुए भी सुन दे जैसे ये गोलियाँ कोई खा कर बट्टी जो खाकर आजी है कोई पर हंगासा करके खानी पड़ती है और फिर रंग लाती है बुखार उतार देती हैं बुखार ही है, फिर वो रोटी इतनी स्वादिष्ट लगती है कि सूक्की खा जा सब्जी की भी आवश्यकता नहीं अपने आत्माओं ये दास देखता है गांव-गांव में घर घर में जा के दास ने परमात्मा के ये अमृत वचन सुनाए पहले तो परिवार का एक सदस्य किसी के कहने से दास के पास आया फिर पाठ रखवाया घर जाते थे तो घर वाले उनके सारे नौकड़ुए कड़वे, -कड़वे देखा करते यू कौन आ गया यू के करेंगे फंड हमारे घर पर अरे जब सुने थे सत्संग तीन दिन सामने बैठ के ना सुने थे तो अम्मा ही लाया करते साथ पे सुन इन्होंने इनने भी सुन ना दिया वो अपना बैठ कर कितना कितना जरूर सुनते कोने में कमरे में बाहर भीतरे तो ये तो इसे वचन है उसकी उतार देंगे बुखार को अगले दिन तक तो वो सत्संग सुनने के लिए सामने बैठ जाते थे और फिर वही व्यक्ति जो तो सुनना भी पसंद नहीं करे थे सौ सौ किलोमीटर जाकर सत्संग सुनने आ करते वह भूख जागी, उनके वह पाप कट गया वह बुखार उतर गया पाप कर्मों का इस वाणी में इतनी प्रबल शक्ति है भगवान की वाणी है या कबीर भगवान की गॉड गिवन है ग्रीबदास जी को दी उन्होंने आगे लिखवाई भगवान का दिया हुआ ये वो मंत्रित ग्रंथ है